किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास से हाथ कटा शव मिलने पर किसान मोर्चा का बयान, कहा पूरी घटना की जांच हो। भारत सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी का निशाना। रंगदारी के मामले में पूछताछ के बाद नौरा फतेही के प्रवक्ता ने जारी किया बयान। आर्यन खान मामले में एएसजी अनिल सिंह ने कहा, विदेश से जुड़े हैं ड्रग केस के तार। कोरोना से पिछले 24 घंटों में मिले हैं 16,862 नए मामले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पूरे देश में दुर्गा पूजा के आखिरी दिन पांडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के साथ विदा किया गया। सिंदूर खेला और भव्य आरती के साथ दुर्गा पूजा का समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने शोभा यात्रा निकालकर माँ के जयकारे लगाए। वहीं कई लोग भावुक भी दिखाई दिए। विसर्जन पूजा में महिलाओं ने एक दूसरे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला। विसर्जन के दौरान कई जगहों पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मां दुर्गा के विसर्जन के साथ साथ मंदिर में दुर्गा सप्तमी का पाठ हवन कर विश्व शांति की कामना की गई। इस बार खास बात यह रही कि कई जगहों पर मां की प्रतिमाओं का भू विसर्जन भी किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर पहले की तरह ही प्रतिमाओं का विसर्जन नदी में किया गया। इस वक्त आपको हम चार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दुर्गा पूजा की भव्यता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर मिर्जापुर से आप देख सकते हैं, जहां पर दुर्गा पांडाल की भव्यता आप देख पा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या पर लोग पहुंचे हुए थे, जहां पर सभी ने मां के दर्शन किए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मां दुर्गा का विसर्जन किया गया है। तीसरी तस्वीर आगरा से है, जहां पर भू विसर्जन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का किया गया है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी देखने को मिला। चौथी तस्वीर वीरभूम बंगाल से आप देख सकते हैं, जहां पर महिलाओं ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सिंदूर खेला किया है। आप देख ले तस्वीरों में कि किस प्रकार से मां दुर्गा की भव्यता साफ तौर पर इस वक्त देखने को हर जगहों पर मिल रही है। वहीं आज विजयादशमी का त्योहार जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के 10वें दिन आज शक्ति की देवी मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन भी हुआ। रायबरेली के राजघाट घाट पर सई नदी तट पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए और किसी बड़े हादसे से निपटने के लिए इस बार मूर्ति विसर्जन सई नदी में न करवाकर नदी के किनारे गड्ढे खुदवा कर करवाया जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। मूर्तियों का भू विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके, इसके लिए सुबह से ही राजघाट समेत कई गंगा घाटों पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। लोगों ने माता के जयकारे लगाते हुए सई नदी के राजघाट पर मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज कल से ही हम लोग लग करके पूरी मूर्ति विसर्जन व्यवस्था कर दिए हैं। घाट पर देख रहे होंगे, चार बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए हैं, पानी डलवाया गया है। कल शाम से ही लोग मूर्तियां ला रहे हैं। आज जो है अभी तक करीब 55 मूर्तियां विसर्जित हो चुकी हैं। व्यवस्था सारी मुकम्मल है, सभी जगह जो है ड्यूटियां लगी हुई हैं। सभी लोग अपनी जगह पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग खुद भी भ्रमणशील है, हर जगह देख रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। सभी जगह ड्यूटियां अच्छी तरह से चल रही हैं। नौरा समाप्त होते ही मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चालू हो चुका है। यहाँ राजघाट के सई नदी तट पर स्थित कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बनाए गए गड्ढों में पानी भरवा कर कहीं न कहीं मूर्ति को विसर्जित करने का कार्यक्रम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु जो है मूर्ति को लेके आ रहे हैं और जो है गड्ढे में मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं। यही क्रम अलग अलग चलता चला आ रहा है। श्रद्धालु बड़ी ही
भक्ति के साथ देवी माँ की मूर्ति को इस भरे हुए पानी में प्रवाहित कर रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ और शंकर शुक्ला। वही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुट चुकी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर पहुंचे, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेसी नेताओं पर जमकर हमला बोला। लखीमपुर कांड को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पिकनिक मनाने आई है, उनको कोई काम नहीं है, एक महीने से दौड़ भाग कर रही है, लेकिन कोरोना के समय कांग्रेस सपा बसपा कोई पार्टी नजर नहीं आई थी। आगे उन्होंने कहा कि योगी सरकार के दौरान पहली बार गुंडागर्दी खत्म हुई है, प्रदेश खुशहाल है, तरक्की की ओर अग्रसर है। सभी मोर्चों के द्वारा गांव में चौपाल का कार्यक्रम है, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, सामाजिक सम्मेलन भी है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड है, जो काम हम किए हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को के बीच में वह बांट रहे हैं। जो भी समस्या, जो काम किए उनको बताने का काम कर रहे हैं और कोई आवश्यकता है तो हमें बताएं, बाकी समस्या का समाधान करेंगे। तो वह तो पिकनिक मनाने आई हैं, उनका कोई काम नहीं है, एक महीना से दौड़ा। कोरोना महामारी में ना कांग्रेस दिखाई, ना सपा, ना बसपा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीबों को सेवा करते। वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आदिल जलीस ने मुलाकात, बुलंदशहर पहुंचकर प्रेस वार्ता की है। सपा नेता आदिल जलीस ने कहा कि सपा की मजबूती के लिए सपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को सपा से जोड़ने के लिए काम किए जा रहे हैं और सपा नेताओं की ओर से नारा भी दिया जा रहा है कि अब की बार प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार। नेता आदिल जलीस ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने नेताओं को बचा रही है और उनसे खुलेआम गुंडागर्दी करवा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी सरकार अपने मंत्री को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही। मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और मैं 14 सालों से सक्रिय रहता हूँ इस पार्टी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे माननीय राज चतुर्थ जी ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया, तो ये सबसे बड़े मेरे लिए पद की बात है। अच्छा, अब चुनावों का दौर आने वाला है, गांव-गांव जाकर आप जो है अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक की तरफ से सपा के लिए? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मैं भी पूछा था आपने मेरे से कि गांव-गांव जा रहे हैं, मैं हर गांव जाता हूं और हर गांव में मैं 10 मिनट का हर घर में वक्त देता हूं और वहां की जो पब्लिक होती है उनसे रूबरू मैं उनसे हाथ जोड़ के उनके बीच में जाता हूं और मुझे वहां लोगों का बहुत आश्वासन मिलता है, एक एक घर से मुझे आश्वासन मिलता है। और कभी कभी तो लोग कहते हैं लोग कि देखो छोटा अखिलेश यादव आ गया, इतना मुझे पॉपुलर कर रखा है और मैं हर घर में 10 मिनट का वक्त देता हूँ, उनकी परेशानियां सुनता हूँ। और माननीय राष्ट्रपति जी जो श्री अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री थे, उनके विकास कार्य के बारे में बताता हूँ, जो जो उन्होंने विकास कार्य किए। देखिए, आपने देखा होगा कि 108 एम्बुलेंस थी हमारे घर में, माँ बेटी बहन कुछ प्रेग्नेंट हुआ करती थी, डिलीवरी हुआ करती, तो 10 मिनट कॉल करने के बाद में उनके घर पर गाड़ी पहुँचाया करती थी और वो लेके उसको हॉस्पिटल लेके आया करती थी। और उस माँ सारे कार्यक्रम पूरा करने के बाद में जब उसकी छुट्टी होती थी लेडीज की, महिला की, तो वो अपने घर पे ही एम्बुलेंस छोड़ के आया करती थी। लेकिन आज इन्होंने उस एम्बुलेंस को बिल्कुल बंद कर दिया। तो लोगों का ये खूब कहते हैं लोग मुझसे कि हाँ, राष्ट्रीय जी श्री अखिलेश यादव जी का काम था और उनके विकास कार्यों को लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि अखिलेश जी का काम हमें पसंद था, 2012 की तरह हम 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे। तो होता है मुझे सब चीजें देखकर, मैं रातों रात टीवी देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ और पिछले 10 महीने से किसान एक ही हाल में बैठे हुए हैं, ना उनकी कोई सुनवाई है ना उनको। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर कि ये हमारे अन्नदाता हैं, ये हमको खाने के लिए अनाज देते हैं, हमारे लिए कपड़े देते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आखिर मोदी जी कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ बाहर जाने का वो अपना रास्ता देखते हैं कि आज मेरी फ्लाइट बाहर की है, कल मेरी फ्लाइट वहाँ है। अरे किसान इनके बारे में सोचिए, जो हमारे अन्नदाता हैं ये, इनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तो मुझे लगता है ये बड़ी शर्म की बात है कि किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और किसानों के साथ हम खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है। आपकी पार्टी सत्ता में आने पर क्या जो है पब्लिक के लिए, रोजगार युवाओं के लिए करेगी और पब्लिक के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएगी? देखिए, माननीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो है, वो कह भी चुके हैं कि सबसे पहले हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे
और 10 लाख युवा जो है हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए हम नौकरी देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हमारे राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और बनेंगे तो उनका एक ही कैबिनेट की जो पहली मीटिंग होगी एक ही उनका कलम चलेगा, वो 300 यूनिट बिजली के लिए चलेगा और 10 लाख युवा भी नौकरी। वहीं सीतापुर के थाना सकरन के महाराज नगर में रामलीला मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में रामलीला मंचन के लिए बनाए गए मंच पर डांसर अश्लील डांस करती नजर आ रही है। मंच के डांसर जो नाच रही हैं उन पर लोग पैसे उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले कमेटी पर आरोप लग रहा है कि रामलीला के मंचन की आड़ में डांसरों को बुलाकर इस प्रकार का अश्लील डांस करवाया गया। सीतापुर में रामलीले मेले का आयोजन हुआ जहां से एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि रामलीला मंचन के दौरान बार बालाओं का डांस देखने को मिला है। इसी कड़ी में अब थाना सकरन में मामला दर्ज किया गया है जहां पर रामलीला आयोजकों पर इस वक्त गंभीर आरोप लग रहा है कि उन्होंने रामलीले की आड़ में अश्लील डांस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। वही रायबरेली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने लोगों को कानून संबंधित जानकारी दी और 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की बात कही। जिले में विभिन्न जगहों पर विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का भी आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से रायबरेली की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य हमारी आम जनता को कानून की जानकारी देना तथा कानूनी सुविधाएं क्या क्या दी जा सकती हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उनको बताना तथा कानून के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति आम नागरिक। वहीं मथुरा के सुल्तानपुर घाट पर मूर्ति विसर्जन करने आए 4 श्रद्धालु यमुना में डूब गए। इनमें से 3 ग्रामीणों को गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। वहीं एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है जिसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। थाना रिफाइनरी पुलिस गोताखोरों की मदद से श्रद्धालु युवक की तलाश कर रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के डूबने का एक वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक लोकेश भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि तलाशी के लिए फिलहाल कार्यवाही इस वक्त जारी है। तो मथुरा से ये वीडियो सामने आया है जहां पर घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला जहां यमुना नदी में मूर्ति विसर्जित करते वक्त 4 श्रद्धालु डूब गए। आपको बता दें कि गोताखोरों ने 3 लोगों को इस वक्त बचा लिया है। वहीं अभी भी एक युवक लापता बताया जा रहा है जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। फतेहपुर में नवरात्रि के खत्म होने के बाद स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमाओं को भू विसर्जन के लिए भक्तों ने यात्राएं निकाली। यात्राओं में गाजे बाजे के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ भक्तों ने जमकर डांस किया। भक्तों ने गुलाल उड़ाते हुए मां के दर्शन किए और जयकारे लगाए और आदेशों का पालन करते हुए लोगों ने मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। तो फतेहपुर में शारदीय नवरात्रि का समापन हो चुका है। इसी कड़ी में आज फतेहपुर में जगह जगह पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग गाजे बाजे के साथ मूर्तियों का विसर्जन करने पहुंचे थे। वहीं फतेहपुर में इस बार मूर्तियों का भू विसर्जन किया गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करते हुए प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। जगह जगह पर मां दुर्गा के पांडाल लगाए गए थे जिसके बाद आज सभी मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। वहीं बुलंदशहर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने ही घटना का को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां और नाबालिग पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए फिलहाल भेजा है, साथ ही आगे की कार्यवाही जारी है। छेड़खानी का मुकदमा लड़की नाबालिग है, उसके परिवारजनों द्वारा लिखाया गया है और अभियुक्त भी नाबालिग है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण 354 ख आईपीसी का है, पुलिस द्वारा कार्रवाई कर ली गई है।
बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में दो दिन पहले ससुराल से आई युवक की मौत मामले में परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने क्षेत्राधिकारी के दफ्तर पर हंगामा किया और परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे गुस्साए मृतक के ग्रामीणों ने क्षेत्र अधिकारी के दफ्तर पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने मिलकर हंगामा करा, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने ग्रामीणों को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का फिलहाल आश्वासन दिया है। ये मर्डर केस का जी कहां का? ये खिदरीपुरा में मेरे भाई नकुल कुमार की शादी हुई थी, उसमें उनकी ससुराल वालों ने 11 तारीख में बुलवा को उसका मर्डर कर दिया और पुलिस इसमें लापरवाही कर रही। परवीन तेतिया दरोगा, अच्छा, क्योंकि उसी की वजह से ना ही तो आज तक मुकदमा पंजीकृत होया, ना ही कोई कार्रवाई हुई, उसका पूरा रोल है। दो दिन पूर्व जो खिदरीपुरा में डेड बॉडी मिली थी सर, क्या है पूरा मामला सर? आज उसमें ग्रामीण आए हैं सर, कुछ मांग कर रहे हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, मंडावर थाना क्षेत्र के गाँव बाजूपुर चट से आज करीब 200-250 लेडीज है और जेंट्स आए, उनकी मांग थी जिसकी मृत्यु होती उसका अभी तक मुकदमा नहीं कायम हुआ। मैंने उनको आश्वासन दिया है, इंस्पेक्टर ने ये बात को बता दिया है, तत्काल उनका मुकदमा पंजीकृत करें इस तरीके से। वहीं अगली खबर बदायूं से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी ने ही बिजली बिल के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया है। मामला बिसौले विद्युत वितरण तृतीय खंड का बताया जा रहा है, जहां एक मीटर रीडिंग ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। मीटर रीडिंग ने बताया कि घर बैठे ही कंज्यूमर का फर्जी तरीके से बिल बनाया जा रहा है। फर्जीवाड़े को लेकर मीटर रीडर ने बताया कि जब उसने फर्जी बिल निकालने का विरोध किया तो उसे विभाग से निकाल दिया गया। बिजली विभाग के जिन कर्मचारियों पर बिजली विभाग का जिम्मा है, वो अधिकारी बिजली विभाग को घाटे में ले जाने की कोई भी कसर इस वक्त नहीं छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इटावा के ग्राम उदी में बने पेट्रोल पंपों की तरफ से उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के ड्रम व बोतल में पेट्रोल डीजल बचने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बोतलों में पेट्रोल डीजल बेचने के जरिए नियमों की खुलेआम धज्जियां इस वक्त उड़ाई जा रही हैं। पेट्रोल पंपों से लोग ड्रमों और बोतलों में पेट्रोल डीजल को भरवा कर ट्रैक्टरों में रखकर खुलेआम लेके जा रहे हैं। पेट्रोल संचालकों और कर्मचारियों की तरफ से मनमानी भी इस वक्त साफ दिखाई दे रही है। ये पेट्रोल और डीजल गांव की जरूरत पड़ने पर ऊंची दरों में बेचा जा रहा है, जिससे कई बार लोग हादसे का भी शिकार हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन सब कुछ जानता है, बावजूद इसके वो मौन बना हुआ है। ताज नगरी आगरा में इन दिनों अपराध बढ़ता जा रहा है। थाना बसई जगनेर क्षेत्र में एक लड़की ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई। साथ ही प्रेमिका सहित उसके दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे मामले की कार्रवाई जारी है। इसमें जो एक महिला है ललिता बालिग है, इसका मृतक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी इनके परिवार वालों को हो गई थी। जो इसका भाई राकेश है, इसके नॉलेज में आ गया था। इन लोगों ने फिर प्लान रचा और लड़की द्वारा लड़के को अपने घर के पास बुलाया गया। उसके बाद राकेश के द्वारा इसके सर पे वार किया गया, जिस पे ये मूर्छित अवस्था में चला गया। उसके बाद घर के पास में ही एक कुआं है, उस कुएं में इसकी बॉडी फेंक दी गई। जब इनसे और पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो आला कतल है, जिस ईंट से इसने वार किया था, इसको भी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।